आज हम कराची के कदीम तरीन इलाके मंगू पीर ये जानने के लिए निकले हैं कि हाजी हसन अल मारूफ सखी मंगू पीर डाकू थे या वली उल्ला। आइए आप ही मेरे साथ जानिए। देखने में आम सा दरवाजा लेकिन अकीदत मंदों के लिए खुदा तक पहुंचने का रास्ता। ये वो जगह है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले भी आबाद थी। कभी ये हस्ता बस्ता शहर था जो सफ़े हस्ती से मिट गया। अब यहाँ दरबार तक पहुंचने से पहले बाजार है। यूँ समझ लें दुनिया से गुजरकर दीन तक पहुँचा जा सकता है। दरबार के एक तरफ सदियों पुरानी कब्रें हैं। चौकंडी तर्ज की टूटी फूटी कब्रें जंग शाही पत्थर से बनाई गई थीं। यहाँ ऐसी कब्रें भी थीं जिन पर तलवारें और जेवरात कंधा थे। अब इस तर्ज की कब्रें नापैद हो चुकी हैं। आगे बढ़े तो दरगाह नजर आती है। अंदर जाने के लिए बाबे फिरदौसी और बाबे हशमत हैं। इल्मो आगही की ये सीढ़ियाँ चढ़कर दरबार के अहाते में पहुँचा जा सकता है। यहाँ सहन में चंद कब्रें हैं लेकिन वो ज्यादा पुरानी नहीं। इन्हीं में आपके खलीफा हजरत खाकी शाह बुखारी भी मदफून हैं। दरगाह का खूबसूरत दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है जिस पर लिखी तहरीर कसरत में वहदत का नजारा करने की नसीहत कर रही है। आपका इसमें ग्रामी हसन और सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली से मिलता है। वालिद की तरफ से हुसैनी और वालदा की तरफ से हसनी सादात हैं। तारीख मस्क करने के आदि अफराद इस बुजुर्ग हस्ती पर भी तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, यहाँ तक के इन्हें डाकू भी करार दे दिया। दरगाह के बाहर शजरे नसब लिखा है जबकि मजार के सिराने शजरे तरीकत वाजे है। आप 13वीं सदी ईस्वी में इजाज़े मुकद्दस से हिंदुस्तान तशरीफ लाए। ये जमाना तातारियों के फितने का था। आप भी इनके खिलाफ जिहाद में शरीक हुए। इसके बाद हज के लिए तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा में हुजूर पाक की ख्वाब में ज़ियारत हुई। खातिमुन नबीयीन ने आपको हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर से मिलने का हुक्म दिया। चुनाचे आप बाबा फरीद के सिलसिले इरादत से मुंसलिक हो गए। बाबा फरीद ने ही आपको इस जगह भेजा जो अब मंगू पीर कहलाती है। मजार के करीब तालाब है जहां दर्जनों मगरमच्छ हैं जो आपकी करामत का सबूत हैं। एक रिवायत के मुताबिक मंगोपीर ने नदी में फूल फेंके जो आपकी करामत से मगरमच्छ बन गए। इनके सरदार को मोर कहा जाता है। जब एक मोर मरता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। यहां मौजूद मगरमच्छों में से कई की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये दुनिया भर में मगरमच्छों की वाहिद नस्ल है जो मीठा भी खाती है। सुल्तान अल मारूफ हसन हाजी बाबा मंगोपीर रहमतुल्लाह बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह के कुछ उस नस्बत से भी खलीफा रह चुके हैं। तो ये मगरमच्छ बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह उनकी निशानियों में से है। जो आपने अभी देखा तो मैंने किस तरह गोश्त इनको खिलाया। जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं कि इसको मीठा भी बड़े शौक से दिया जाता है। बेशक इनको मीठा भी बड़े शौक से दिया जाता है। जैसे कि अलवा कहते हैं मीठे में। जब वो भी अगर लोग मन्नत मानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि साईं हमारे जो ये गोश्त है या मीठा है ये दे दे ताकि मगरमच्छ खा जाए। दरगाह के करीब गर्म पानी का चश्मा है। अगरचे यहाँ कई बरस से सफाई ना होने के बाइस काई जम चुकी है लेकिन इसी पानी से जल्दी मराज में मुब्तला अफराद शिफायाब होते हैं। तंदुरुस्त होने वालों में जजाम के मरीज भी शामिल है। यही आजहानी जर्मन डॉक्टर रुथफाओ ने अपनी मेरी एडलेड लेप्रोसी सेंटर की एक शाख भी खोली थी। अकीदतमंदों का कहना है कि इलाके में तमाम चश्मे हजरत लाल शहबाज कलंदर की करामत का नतीजा हैं। मंगूपीर में हर साल 8 जिलज को हजरत हाजी हसन अल मारूफ सखी सुल्तान मंगूपीर का उर्स होता है जबकि यहाँ का शीदी मेला भी दुनिया भर में मकबूल है। अकीदतमंदों के मुताबिक सखी के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। यही वजह है मन्नतें मांगने और चादरें चढ़ाने के लिए आने वालों का तांता बंधा रहता है।